उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय हिंद, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सूचित हुई खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। आप ये जो तीन बच्चे देख रहे हैं, हमें इनका ये जो हुनर है इसको देखिए। ये खबर है, ये वो खबर है जो हमारी कला संस्कृति रीति रिवाज जिस तरह से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग काम करने को राजी नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं या पंजाब या हरियाणा के त्यौहारों को मनाने लगे हैं। लेकिन इन बच्चों के हुनर को देखें आप। इन बच्चों के नाम हैं दिव्यांशु, शुभम और विनीत। ये श्री सोनलाल जी के बच्चे हैं जो ढोल सागर के ज्ञाता है और जिन्हें काफ़ी प्रसिद्धि है इसमें। लेकिन इन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये ढोल सागर की शिक्षा दी है। इन तीनों बच्चों ने अपने पिता से ढोल सागर की विद्या सीखी है और ये हर तरह के शादी हो, ब्याह हो, पूजन हो, मुंडन हो, हर तरह के ढोल सागरों का इन्हें ज्ञान है। और ये ढोल सागर ऐसा है कि जिसमें देवता भी नाच जाते थे, लेकिन यह कला अब बहुत सीमित रह गई। कुछ लोग इस कार्य को करते तो हैं परंतु उनको इसकी विद्या का पूरा ज्ञान नहीं है। परंतु इन बच्चों को कंठस्थ ये सारी विद्याएं याद हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, इन बच्चों से परिचय कराते हैं, इनके गुरु से मिलाते हैं और क्या है ढोल सागर, इसके बारे में हमारे सहयोगी जगमोहन डागी जी आपको बता रहे हैं। आप इन बच्चों का हौसला अफजा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन बच्चों का हौसला जरूर बढ़ाए। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों के आवाज के लिए आज पहुंचा हूं विकासखंड कलजी काल के मनियारसू पट्टी के पिपली गांव में। यहां पे बहुत बड़ा सिद्धपीठ है पिपलेश्वर महादेव मंदिर में। पहला सावन है आज, यहां पे काफी लोग आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा वो इन बच्चों को दिखाए, मैं इनसे बात करता हूँ। ये चौथी पीढ़ी मेरे साथ है। इस क्षेत्र के बहुत जाने माने जो ढोल वादन थे गैमी दास गढ़कोट के, उनके पर पुत्र हैं ये। उनके लड़के का नाम है दिनेश लाल और उसके बाद उनका पुत्र सोन लाल। और ये चौथी पीढ़ी है दिव्यांशु, शुभम और विनीत। और उनसे बात करते हैं, उनके जो पिताजी साथ में हैं जो उनके गुरु हैं। और ये तीनों बच्चे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने मेरे माध्यम से भी देखा होगा और तमाम मंचों में ये अपने कला का हुनर दिखा चुके हैं। और इसलिए छोटी सी उम्र में ये ढोल सागर के पूरे ज्ञाता है। प्रत्येक जो ढोल यंत्र जो बजाए जाते हैं विभिन्न पर्वों पे, चाहे मुंडन हो, चाहे देव कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, इनको सब इसकी कला का पूरा ज्ञान है। आज इन्हीं से बात करते हैं कि ये कैसे सीखे और इनको सिखाने के पीछे किसका हाथ है। सबसे पहले हम बड़े भाई के पास, आप नाम क्या है? कब बटन बजाना तुम ढोल? अच्छा, सब कुछ है अलग हर ताल ठीक है ताल सुनिया मेन मेन मतलब क्या क्या टाइम पर कम बजे जाए आज आज क्या पर्व सुनवा आज जी बात अलग क्या क्या हुआ आज के पर्व आज के बात अलग कुछ एक बात तो बने लगे सके तो लगा का अभी थोड़ा सा कला दिखाई है शिव जी का जो आराधना से शिव जी का उससे उतना की उनका भी काफी नाम है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उन्होंने जो हमारे कद्दरवार नेता है उत्तराखंड के हरक सिंह रावत को कई बार नचाया है, उनसे बात करते हैं। आप बच्चों से आप दगड़ी दगड़ सिखाए तो कल लगे बच्चा पूरा परफेक्ट हो गया हुनर हो गया पूर्व जन तुम मच
बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया। आने वाले कल मजो कल वालू वो बहुत प्रसिद्ध कलाकार में जाला भी देखी बचपन बिटेन जी पीते प्राप्त हुई। अच्छा एक बात थी कि आप डॉक्टर हर सिंह जन साहब मंत्री जी थे, आपने उनको नचा याद तुमने? हाँ जोरदार। अच्छा एक आपका भजन देखा था जो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें आपने हनुमान जी की वार्ता लगाई, हनुमान का स्मरण किया और जो उसमें आप ढोल से घूम रहे हो, वो कहाँ का सीन था? वो साहब हमारे गांव का ही था, अंजनी पुत्र वाला देवी माता का, अपना भुवनेश्वरी माता का कोई ऐसे था। तो आज तो सावन का महीना है और थोड़ा हम चाहते तुम भी अपने एक सब्जी के नाम से छोटे से श्लोक बोल रहे आज अपने उसने बोल सक रहा है। ओम नमः शिवाय मतलब साक्षात शिव छ प्रत्यक्ष। आज मतलब बारिश होनी चाहिए, चाहे पर बारिश भी नहीं छ, बिल्कुल धूप छू, पर पूजा होने के बाद मतलब तुरंत बारिश हुई बानी छ, मौसम उन हुई छू, बाकी क्या बोल सक रहा हूँ। मैं एक विकलांग आदमी अब चलो वो तो आप वो अलग चीज छो ना, विकलांग होना अलग बात है, लेकिन जो बच्चा छे अभी बच्चे छे निकाल मन भी अच्छा, मतलब एक चीज देख बच्चो ना कि झिझक नहीं छे, ये बिना पड़े हुए बोल देते मंच में और कितना भी भीड़ रहा है तब भी मतलब ये होता कोई उन्हें लगो कि भाई झजक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगता है आपका? बहुत अच्छा लगता है साहब, बहुत सुंदर, बहुत सैलरी भी लाई स्कूल से किसी विद्या के पीछे से। चलो आपने तो दे चुके शिक्षक ज्ञान तो दिया नहीं कि आपने तो ये ढोल सा शिक्षक का ज्ञान दिया, इन वाद्य यंत्रों का ज्ञान दिया, लेकिन जो संस्कार और जो सभ्यता जो मंच में हुनर वो किसने दिया? वो साहब साहब आप लोगों ने दिया साहब, और भगवान की कृपा है, हम तो भूलने वाले हैं, माफ करने वाले आप लोग हमारे साथ रहे और बहुत अच्छी बात है। आप इनके जो परदादा थे, बूढ़ दादा आप दादाजी थे, उनका काफी नाम है, आज उनकी आत्मा को भी इतना सुकून मिल रहा होगा कि मेरी जो परंपरा है वो चली आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परंपरा छोड़ दी है, ढोल ढमोक तो यहाँ मुझसे वादे पर वो मूसल ख्याल में लेकिन वो छोड़ा हुआ, लेकिन आपके बच्चे संभाल रहे और अभी इनका तो भविष्य है, ये तो सुना अच्छी क्या लग रहा है कि अपने पूर्वजों के लिए आप उनके धरोहर को बरकरार चलना चाहिए? बस वो था कि जो साहब हमारे ये ढोल सागर से बहुत बड़ी चीज है, मतलब ये तम के जान सागर कुछ भी नहीं चेहरे सकता, हमारे पुराना बहुत जानकार चाहिए, अब वो थोड़ा बहुत वो साथ में रहे, थोड़ा बहुत हमसे भी वो छो, ये ढोल सागर से मतलब एक प्रथम श्लोक छो, इस लोग नौबत भी बजते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, जो इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय है और उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि ये बच्चों में होना रही थे सर्व कई बच्चे सरमान छे, अभी नई पीढ़ी में तो ज्ञान भी होना चाहिए, सरम आदमी खुला दिल से जान छे, हर जगह में जान छे, अपन मतलब हुसन पर जाना छे और मतलब लोग मन भी छे, चलो एक पीढ़ी तो चला जा और ये काम नहीं छोड़ा, ये अच्छी चीज है, ये पहली पीढ़ी प्रथा भगवान जी भगवान प्रथा छे और भगवान आदर भी कर देना अच्छी मन देना और बहुत सुंदर विजय भी देना और अच्छो कलाकार सुनार अपने भविष्य में मतलब बहुत टॉप काम समय में अच्छो कलाकार हमें जान रहा है बच्चा अच्छा बढ़ गया सबसे बढ़िया। हे प्रभु हे नारायण जी बला अता टोल सागरम दिगंतम जाजनम गुरु जाजनम गुरु तेजनम भवा। हे कमल से उपजी सृष्टि जिसमें ब्रह्मा महेश ने दी दृष्टि सात दीप बजे ढोल ता देता सात दीप बजे ढोल ता देता जम्बू दीपे भारत खंडे प्रथम जी महासागरे प्रभु महादेव को ढोल चुपलो महादेव को ढोल से बचन छुड़ना छना तुम शब्द सुनो जो 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 कैला सुख आज मेरे मारे ये बोला शंकर ये बोला शंकर नारायण जी बला 307 बना सिद्ध जन बला सिद्ध उमले इन महादेव ओ बाजे मा से एक महादेव पिपले सुर महादेव जबल सिद्ध पीठ मा ए जानो वन मेरा पिपले सुर महादेव जय पिपले सुर महादेव मा बलाज पर आज मान हो भंडार उड़ो मान हो
पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।